हेलो फ्रेंड्स, केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज की यूट्यूब चैनल एसोसिएटेड विथ मैट्रिक्स इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज में मैं आपका स्टूडेंट वीजा एक्सपर्ट एडवाइजर निशित कुमार पटेल एक दफा फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है ये रेडीनेस प्लान कैनेडा में आया है, DLI नंबर क्या है, रेडीनेस प्लान क्या है, कौन से स्टूडेंट्स या पेरेंट्स और बहुत से एजेंट्स हमको इंक्वायरी करते हैं कि हम कनाडा जा सकते हैं क्या, अभी कनाडा ओपन हो गया क्या, VFS खुल गया क्या, मतलब हर तरफ बहुत से बच्चे और स्टूडेंट्स कंफ्यूज है। ऐसे दूसरे भी एजेंट ने ऐसे वीडियो बनाए हैं लेकिन वो वीडियो में गवर्नमेंट वेबसाइट्स या उसका लिस्ट या उसका लिंक शेयर करते हैं। अगर लिंक ही शेयर करना था तो आप भी खुद सर्च कर सकते हो। तो एज अ एजेंट हम आपको आज एकदम आसान सरल भाषा में समझाएंगे। हमारे पास 14 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है और तकरीबन हमारे पास 21 से ज्यादा अवार्ड हमको प्राप्त हो चुके हैं। तो हम ये पूरा वीडियो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड होगा जिनके पास AIP-1 का लेटर है, जो बच्चे January 21 इंटेक में फाइल रखी है वीजा के लिए लेकिन अभी वीजा नहीं आया है, जिन बच्चों ने May 21 या September 21 के लिए प्लान कर चुके हैं, तो वो लोग भी कैसे कनाडा जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो इस पर पूरा वीडियो रहेगा। ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए और आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन उससे क्लीन हो जाएगी। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, ऐसे ही बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारी ये जो यूट्यूब चैनल है केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, उसका बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने ग्रुप में, दोस्त को या अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों चलो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको ये समझना होगा ये DLI नंबर क्या है। तो DLI नंबर को आप आसान भाषा में इस तरह के इससे समझ सकते हो कि जैसे अपने इंडिया में एक GST नंबर होता है जो कोई भी इंसान कहीं से भी ले सकता है, तो ऐसे ही कनाडा में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज या छोटे इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, उन सभी को DLI नंबर लेना होता है। तो फिर क्या उसका बेनिफिट है? फिर तो DLI नंबर के बाद गवर्नमेंट ये ऐसा डिसाइड करती है कि उसमें से कौन सी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलती है, तो उन्होंने उनके लिए एक अलग से वेबसाइट बनाई है, उसको बोलते हैं DLI नंबर थ्रू पोस्ट, इनसे कौन सी कॉलेज में उसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगी, कौन सी कॉलेज में नहीं मिलेगी। तो ये DLI नंबर से उनको ये क्लासिफाइड करना बहुत ही आसान रहता है। फिलहाल हम उसकी बारे में यहां पर चर्चा नहीं कर रहे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे DLI नंबर रेडीनेस प्लान क्या है। अच्छा, तो ऐसा समझिए आप, DLI नंबर कनाडा की हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के पास होता ही है। जैसे मैंने पहले बताया, वन काइंड ऑफ GST नंबर इन इंडिया। तो उनमें से कैनेडियन गवर्नमेंट ने हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को तकरीबन 1-1.5 महीने पहले से उन्होंने एक इन्विटेशन भेजा था कि आप अपना कैंपस, अपना कॉलेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए क्या खोलना चाहते हो, अगर हाँ तो आप उनके लिए क्या प्रिकॉशन लेंगे, जैसे आपके कैंपसेस में आप कैसे सैनिटाइज करेंगे, आप जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको COVID-19 या कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए आप कौन कौन सा रूल्स वहां पे लाएंगे, क्या आप सभी स्टूडेंटों को पढ़ाएंगे या आप एक डिस्टेंस रख के बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाएंगे, लैब को आप कितने टाइम के बाद सैनिटाइज करेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ट्रैवल करके आएंगे पूरे वर्ल्ड में से, नॉट ओनली फॉर इंडिया, पूरे वर्ल्ड में से कनाडा, तो उन बच्चों के लिए आप 14 दिन का क्वारंटीन प्लान क्या रखेंगे, कौन सी होटल में उनको ठहराएंगे, उनको खाना पीना क्या देंगे, शायद उसमें से कोई बच्चा कोरोना पॉजिटिव हुआ और उसको डॉक्टर की या हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी तो आप उसको कैसे मदद करेंगे, ऐसा डिटेल प्लान उन्होंने सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को भेजा कैनेडियन गवर्नमेंट में। उनमें से बहुत सी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने अपना प्लान गवर्नमेंट को सबमिट किया। उनमें से ये जो 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर 2020 को गवर्नमेंट ने एक लिस्ट अपना निकाला कि ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का प्लान है पूरे कनाडा में से स्टेट वाइज, वो प्लान हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से है, तो उन्होंने उन कॉलेजेस को अप्रूव्ड लिस्ट में डाला, इसीलिए उसको कहा जाता है रेडीनेस COVID-19 DLI लिस्ट।
तो उस ये लिस्ट और नेक्स्ट टाइम फिर से अपडेट होगी 3 नवंबर 2020 को। अभी इस लिस्ट की मैं बात करूं तो ओंटारियो में से तकरीबन 4 या 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो ही ये लिस्ट में आई है, जैसे सैनिका कॉलेज आई है, डरहम कॉलेज आई है, फ्लेमिंग कॉलेज आई है शायद, और एक कॉलेज आई है। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी कॉलेजेस है जैसे कॉनेस्टोगा हो गई, सेंट क्लेयर कॉलेज हो गई, फिर सेंट लॉरेंस कॉलेज हो गई, जॉर्ज ब्राउन हो गई, हम्बर कॉलेज हो गई, तो ये सारी कॉलेजेस अभी लिस्ट के अंदर नहीं आई है। मतलब ये लिस्ट का बनाने का मतलब क्या है? तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये लिस्ट सितंबर 21 तक ये इफेक्टिव रहेगा शायद, या फिर जब तक कोरोना वायरस की रसी नहीं निकलेगी तब तक ये लिस्ट इफेक्टिव रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो भी कॉलेजेस में अप्लाई किया है, अगर आपका AIP आया है और आप ये अप्रूव्ड कॉलेज की जो रेडीनेस प्लान की जो लिस्ट है, अगर वो कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हो तो आपको वीजा और बायोमेट्रिक शायद वो लोग शॉर्ट टाइम में ओपन करेंगे। जैसे बहुत से बच्चों या पेरेंट्स ने हमसे इंक्वायरी की है कि VFS ऑफिसेस तो खुले नहीं है तो हम कैसे करेंगे करके, तो VFS ऑफिसेस वो लोग शॉर्ट टाइम में खोलना चाहते हैं, तो वो लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? तो VFS ऑफिस में उन्हीं बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी जिन बच्चों की कॉलेज ये लिस्ट में रजिस्टर्ड है और जिन बच्चों की कॉलेज ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव की है। जैसे पहले भी मैंने बताया कि ओंटारियो में से सेंटिनियल कॉलेज, सेनेका कॉलेज, डरहम कॉलेज, ऐसी 4 या 5 ही कॉलेज है जो लिस्ट में आज तक आई है। उन बच्चों को पहले इन्विटेशन आएगा VFS में से, वही बच्चे पहले बायोमेट्रिक की डेट ले सकेंगे, अपना पासपोर्ट में वीजा का काम या जिसको हम बोलते हैं पासपोर्ट में वीजा का स्टिकर वो लोग लगा सकेंगे। उसके बाद वो बच्चे लोग कैनेडा में फ्लाई कर सकते हैं। उनके लिए उनको स्पेशल कोई भी कॉलेज में से लेटर चाहिएगा नहीं, लेकिन उनको उस कॉलेज के अंदर जो क्वारंटीन प्लान होगा 14 दिन का वो लेना पड़ेगा और उसका तकरीबन एक्सपेंस एक्स्ट्रा होगा जो $1,700 से लेकर $2,000 तक का रहेगा। तो वो हर एक कॉलेज की वेबसाइट में अवेलेबल है, तो वो प्लान लेके ही आपको जाना है। अगर आप ये 4 कॉलेज में से है तो आपको कभी भी आपकी जो कैनेडा की जो वीजा फाइल रखते हो उसके अंदर रिक्वेस्ट आएगी कि आप बायोमेट्रिक करो अपना, या बायोमेट्रिक की डेट लो, या फिर आप वीजा का स्टैम्प लगाओ, तो आप तुरंत वो प्रोसेस खत्म करके कॉलेज में जा सकते हो। दूसरा आपको देखना है, जैसे अभी आपने वीजा लगा दिया, फिर आप अपनी टिकट बुक करेंगे, टिकट बुक करने के बाद आप कैनेडा जाएंगे, जैसे आज के दिन में अक्टूबर में आपका वीजा लगा शायद, ये एग्जांपल है, और आपकी फ्लाइट होगी दिसंबर की। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आप फ्लाइट में बैठना जाइए उसके दिन तक आपको अपना ये DLI जो लिस्ट है वो चेक करते रहना है, उस दिन भी आपकी कॉलेज उस लिस्ट में होनी चाहिए, वरना आपको वहां पर एयरपोर्ट पे एंट्री में मिलने में दिक्कत हो सकती है। अगर कोई कॉलेज ये अपना रेडीनेस प्लान अच्छी तरह मेंटेन करेगी तो वो लिस्ट में रहेगी। अगर कोई कॉलेज ये रेडीनेस प्लान जो कॉलेज ने तय किया है और गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया है वो प्लान कॉलेज अच्छी तरह मेंटेन नहीं करेगी तो आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉलेज लिस्ट में से निकल जाए, तो उनके बच्चों को वीजा होने के बावजूद कैनेडा के एयरपोर्ट पे एंट्री में दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 टाइम आपको अपना लिस्ट चेक करना है, एक जब आप वीजा की फाइल रखते हो तब भी आपको ये लिस्ट चेक करना है, और जब फ्लाइट में बैठने के लिए जब आप जाओ तभी भी आपको ये लिस्ट चेक करना है कि आपकी कॉलेज वो लिस्ट में है कि नहीं। तो आप लिस्ट कहां से चेक करेंगे? तो उसका हम डिस्क्रिप्शन आपको ये वीडियो के अंदर दे देंगे, या फिर आप हमारी केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज की जो एक्सपर्ट टीम है उनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये DLI नंबर का मैंने बेनिफिट बताया कि 2 बेनिफिट है, एक उससे ये साबित होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या उससे रेडीनेस प्लान में वो रजिस्टर है कि नहीं वो मालूम पड़ता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट कंफ्यूज है, वो बोलते हैं कि हमारी कॉलेज लिस्ट में है नहीं तो हम क्या नहीं जा सकते।
तो भैया ये रेडीनेस प्लान है वो एवरी 2 वीक या 3 वीक उसका लिस्ट अपडेट होगा। आज हो सकता है कि ओंटारियो की 4 कॉलेजेस है, तो जो 3 नवंबर को नया एक लिस्ट बाहर निकलेगा उसमें आपकी कॉलेज ऐड हो भी सकती है। जैसे बहुत से कॉलेजेस ट्राई करते हैं कि हम वो लिस्ट में ऐड होए, क्योंकि ये लिस्ट में ऐड अगर आपकी कॉलेज नहीं है तो आज के रूल्स के हिसाब से आप कैनेडा फ्लाई नहीं कर सकते हो, तो आपकी कॉलेज वो लिस्ट में होनी चाहिए। और मैंने पहले आगे बताया जब आप वीजा अप्लाई करते हो उस टाइम पर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है जब आप कैनेडा में फ्लाई होते हो। वीजा लगने के बाद जब आपका इंटेक स्टार्ट होगा, चाहे वो जनवरी में स्टार्ट हो या मई 21 में स्टार्ट हो या सितंबर 21 में स्टार्ट हो, उससे पहले भी आपको ये चेक करना है कि आपकी कॉलेज वो लिस्ट के अंदर एक्टिव है। अगर आपकी कॉलेज ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो अप नहीं करेगी तो ये लोग लिस्ट में से आपकी कॉलेज को निकाल सकते हैं। उन सभी बच्चों को एयरपोर्ट पे दिक्कत होगी। तो ये पूरा रेडीनेस प्लान है और ये रेडीनेस प्लान स्टूडेंट्स के फेवर के लिए है, उनको कोरोना वायरस और कोविड-19 से बचाने के लिए है। और वैसे पहले भी समझाया कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉलेज से प्लान लेना पड़ेगा जिसका अप्रोक्सीमेटली 1700 से लेकर $2000 का एक्स्ट्रा प्लान रहेगा और वो कंपलसरी प्लान आपको कॉलेज में से ही लेना होगा। यदि आपको एयरपोर्ट से कॉलेज ही ले जाएगी, जैसे पहले कई स्टूडेंट्स बोलते हैं हमको हमारे रिश्तेदार ले जाएंगे या हमको हमारे रिलेटिव आके ले जाएंगे या मेरा ब्रदर ले जाएगा या मेरा चाचा आके ले, तो अभी वो नहीं चलेगा। आपको कंपलसरी कॉलेज से प्लान लेना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, कंपलसरी आपको कॉलेज से वो प्लान लेना पड़ेगा और वही कॉलेज आपको एयरपोर्ट से ले जाएगी और वही कॉलेज आपको 14 दिन तक पूरा केयर के साथ रखेगी। यानी आपका जितना वो कॉलेज का प्लान होगा उसके हिसाब से खाना दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपका मेडिकल चेकअप होगा, उसके हिसाब से ही आप कैनेडा में पहले 14 दिन तक बाहर निकल सकते हो या कहीं नहीं निकल सकते हो। आपका टेस्ट होगा और खुदा न खास्ता आपको कुछ उसमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए तो उसका ट्रीटमेंट भी कॉलेज करवाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा प्लान है। तो आपका सारा कंफ्यूजिंग शायद इस वीडियो से दूर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमने आपको बहुत से मेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, वहां पे भी आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये जो रेडीनेस प्लान है उसके हिसाब से मैं मोटा मोटा फिर से आपको समझाता हूँ दोस्तों कि रेडीनेस प्लान आपके लिए अच्छा है और जो हमने उसकी मोटी मोटी बात किया है आपको ध्यान रखनी, वो मैं उसको जरा फास्ट समझा देता हूँ वीडियो के एंड में। कि पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी कॉलेज ये रेडीनेस प्लान लिस्ट के अंदर रजिस्टर है तो आपका वीजा फास्ट लगेगा। फिर आपको AIP भी नहीं जरूरत है कि वो लोग आपको डायरेक्ट बायोमेट्रिक या फिर वीजा स्टैम्प के लिए इनविटेशन भेजेंगे और VFS जब भी ओपन होगा आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। पहला ये बेनिफिट है। दूसरा, ये वीजा लगने के बाद आपको कैनेडा में अगर आपकी कॉलेज रजिस्टर्ड है तो आपको कॉलेज में से और कोई भी सपोर्टिंग लेटर या कोई ऐसा बेनिफिट वाला लेटर या ये कंपलसरी है ऐसा लिस्ट नहीं चाहिए। तीसरा आपका बेनिफिट है, ये हिसाब से आपको आपके कोई रिलेटिव दोस्त फ्रेंड्स कोई भी एयरपोर्ट से आपको नहीं ले जा सकता, आपको कंपलसरी कॉलेज का ही प्लान लेना पड़ेगा और आपको कोरोना वायरस या कोविड-19 की पूरी ट्रीटमेंट कॉलेज ही देगी 14 दिन तक। उसका दूसरा बेनिफिट है, उन्हीं बच्चों को वीजा में भी प्रायोरिटी दी जाएगी जिनकी कॉलेज ये लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो शायद आपका ये कंफ्यूजन इससे दूर हो चुका होगा। तो दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो अपडेट देने के लिए, ऐसे ही और न्यूज के लिए आप केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज को हमारी हेड ऑफिस है अहमदाबाद में और हमारी ब्रांचेस है मेहसाणा कलोल और हमारे जो नंबर दिए हैं उस पे से आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।